बेहतरीन एविक्शन उसका, जब वहाँ पे थप्पड़ हो गया, चर्चा सारी बात विशाल और अरमान की थी और आप विशाल और सो यस, अभी बिग बॉस को मैं देख रही हूँ, 12 कंटेस्टेंट है, एक को निकाला था, एक वाइल्ड कार्ड घुसा दिया, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। या उनको चाहिए कि हम और फॉलोअर्स वाले लेकर आए, बिकॉज दैट इज़ वॉट डे डूइंग। पहले सिर्फ एक्टर्स ही हुआ करते थे, जैसे बिग बॉस के अंदर है आपको वैसे खेल खेलना पड़ता है, जो मुनीषा नहीं कर पाई। बिकॉज आज भी आप सना मकबूल को देखो तो वो लवकेश और विशाल के साथ में इसलिए है कि वो हमेशा वही बात नहीं कर रहे जो बाकी जगह ग्रुप में बात हो रही है। आप एक टैरो कार्ड रीडर भी हैं, तो इस बार आपका जजमेंट क्या करता है, बिग बॉस आप फॉलो करती हैं? हाँ, मुन्नी गई थी तो करना पड़ा उसके लिए 24 घंटे वाला भी देखा और उसके लिए एपिसोड्स भी देखे, बतौर हर जगह से भाग के हाय हाय बिग बॉस आ रहा है, बिग बॉस आ रहा है तो देखा किया। एंड जो बाहर लोग थे उनके बारे उनसे भी सुना कि व्हाट इज़ देयर सेइंग फॉर मुनीषा बीइंग इन द बिग बॉस। कुछ लोगों को ताज्जुब हुआ, कुछ लोगों को जेलसी हुई कि भाई वो अंदर कैसे चले गई, आई कांट हैंडल ऑल दैट स्टफ। मेरे लिए वो गई अंदर एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट शी वेंट इनसाइड, बिकॉज शी वॉज वॉन्टिंग टू डू इट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और 17 दिन के बाद बाहर भी आ गई, बेहतरीन एविक्शन उसका, जब वहाँ पे थप्पड़ हो गया, चर्चा सारी बात विशाल और अरमान की थी और आप विशाल और लवकेश के साथ में थे, तो हो गया, और क्या चाहिए। आई थिंक दिस इज बेस्ट एविक्शन एनीबडी कुड हैव आस्क्ड फॉर। सो आई जस्ट लव द वे कॉस्मिकली थिंग्स वर्क। हम भले ही बोलेंगे अरे यार 17 दिन में आ गई और रुकना चाहिए था, उसको भी लगा था, बट नाउ आई थिंक शी फील्स दैट वाज द बेस्ट एविक्शन टाइम। सो यस, अभी बिग बॉस को मैं देख रही हूँ, 12 कंटेस्टेंट है, एक को निकाला था, एक वाइल्ड कार्ड घुसा दिया, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। ईदर दे वांट मोर आईबॉल्स, जो थप्पड़ के बाद में अच्छी खासी बढ़ गई है टीआरपी, या उनको चाहिए कि हम और फॉलोअर्स वाले लेकर आएँ, बिकॉज दैट इज़ व्हाट डे डूइंग। पहले सिर्फ एक्टर्स ही हुआ करते थे, ये 2012-13 के बाद में जो इन्फ्लुएंसर्स, आई गॉट नथिंग अगेंस्ट दैट, बट अगर आप उनके फॉलोअर्स के साथ में हमारे को काउंट करोगे तो हम तो डिफीट वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फॉलोअर्स नहीं है उतने जितने आपके पास में हैं। सो इट हैज़ टू बी अ फेयर गेम इन एनी विच वे। सो व्हाटएवर, जैसे कि आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की, तो बीच में हमने अर्चना गौतम जी का इंटरव्यू किया था आने के बाद, तो उन्होंने बताया था कि पहले एक प्लेटफॉर्म हमारा था बिग बॉस का, अच्छा, इन्फ्लुएंसर्स को लेने के बाद हमारा प्लेटफॉर्म धीरे धीरे हमसे मतलब छूटता जा रहा है, करेक्ट, तो अब हम कहाँ जाए, ये गलत हो रहा है, तो आपके हिसाब से ये क्या लगता है? एक्चुअली वो सही है, बट क्या है ना, एवरीबडी इज ट्राइंग टू सर्वाइव एंड उनको लगता है कि ये, जैसे हमारी कास्टिंग में भी हमारे बीच में बोलते हैं कि यार आपके फॉलोअर्स नहीं है इंस्टाग्राम में, शिट ना वी कांट कास्ट यू, व्हाई, सब्जेक्ट पे भरोसा नहीं है। अगर आपको तड़का लगाना है आप उनको घुसाइए, पर उनको हमारे सामने ऐसे खड़े मत करिए कि हम मिलियंस, 10 मिलियन फॉलोअर्स के साथ में हम बेचारे 1 मिलियन भी नहीं हुए उसके लिए झगड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी तो पर्सनैलिटी एक एक्टर है, हम उनकी तरह नहीं कर सकते। और आप बोलेंगे वोटिंग होगी तो डेफिनेटली इनके ज़्यादा फॉलोअर्स, इनको ज़्यादा वोटिंग मिलेगी, तो वेयर डू वी स्टैंड अ चांस टू विन, एंड इट हैज़ टू बी अ फेयर गेम। तो जो उन्होंने बोला है वो सही है, हमारा मीडियम कहाँ है अभी, जो तक मुझे लगता है हमारा मीडियम इज खतरों के खिलाड़ी, आई थिंक दैट हैज स्टिल नॉट टच्ड द इन्फ्लुएंसर्स एंड ऑल दिस यूट्यूब एंड ऑल। सेम ब्रेथ में मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी से परेशानी नहीं है, क्योंकि इस जहान में हर कोई अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहता है। अगर आपके अंदर काबिलियत है यूट्यूबर बनने की, आप वो कर रहे हैं, आप इन्फ्लुएंसर आप वो बन रहे हैं, पर अगर आप सबको एक ही तरह हाँकना शुरू करेंगे, सॉरी आई डोंट लाइक इट, ऑनेस्टली आई डोंट लाइक इट। अगर बात की जाए जैसे आपने बताया था मुन्नी की, मतलब तो जाने के पहले क्या आपसे वो मिली थी, आपने क्या एडवाइस किया था, और क्या लगता है कहाँ वो चूक गई कि मतलब इतना जल्दी 17 दिन के अंदर मतलब गेम से बाहर हो गई, कहाँ उनकी चूक हुई या क्या प्लानिंग हुई रही उनकी? आई वुड नॉट से, देखिए वो भी अंदर गई थी ये सोच के कि मैं आखिर तक तो रुकूंगी, बट जैसे बिग बॉस के अंदर है आपको वैसे खेल खेलना पड़ता है, जो मुनीषा नहीं कर पाई। बिकॉज आप एक कंटेस्टेंट देखते हैं, कंटेस्टेंट के पीछे भी फैमिली भी होती है, सबको देखना पड़ता है, और आप खुद को ये देखें कि मैं उतनी बिची नहीं बन सकती, मैं झगड़े नहीं कर सकती, मैं झगड़े सुलझाती हूँ तो मैं झगड़े नहीं कर सकती। तो अगर आपने देखा भी होगा तो शी वॉज ऑलवेज विद लवकेश एंड विशाल, बिकॉज शी लाइक दैम, शी वाइब्ड एंड बॉन्डेड विद दैम, क्योंकि वो लोग हंसाते थे,
आज भी आप सना मकबूल को देखो तो वो लव केशव विशाल के साथ में इसलिए है कि वो हमेशा वही बात नहीं कर रहे जो बाकी जगह ग्रुप में बात हो रही है. दे टॉकिंग समथिंग डिफरेंट, समथिंग लाइट एंड गुड. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मुनीशा डिड. व्हेन शी केम आउट शी डेफिनेटली फेल बैड, इट टुक हर सम टाइम टू सिंक इन. बट ये बोलते ना कि किस्मत अगर आपके साथ में है तो आपका एविक्शन भी सही हुआ है, क्योंकि उसके पहले ही जब द डे शी वॉज लीविंग वो थप्पड़ वाला कांड हो गया जो चर्चा का विषय बन गया, जिसकी वजह से TRP बढ़ गई. तो आई थिंक इट्स एवरीथिंग गुड. आप बिग बॉस क्यों करते हैं? पैसे के लिए, ख्याति के लिए? तो मिल गई ना, और क्या चाहिए? यू स्टिल हैप्पी? इस समय गेम देख के क्या लग रहा है कि कौन गेम में थोड़ा सा बोरिंग मतलब इरिटेट कर रहा है या कौन बहुत अच्छा खेल रहा है? सब अपने समय पे ना इरिटेट ज़्यादा करते हैं. शिवानी जो है थोड़ा ज़्यादा इरिटेट करती है बिकॉज वो बहुत बड़ बोली है एंड उसकी आवाज़, आई एम सॉरी बट उसकी आवाज़ चुभती है बिकॉज द वे शी सेज, आई थिंक इतना प्रोजेक्शन डाल के वो बोलती है कि मतलब चुभ जाती है. एंड आई थिंक शी इज़ समवेयर इनोसेंट ऑल्सो, बट उसको नहीं पता है, बट वो सबसे भिड़ना चाहती है, तो वो थोड़ा सा है इरिटेटिंग फैक्टर. बाकी सब लोग अभी 3 हफ्ते में जम चुके हैं खेल के अंदर, सबको पता है, एक दूसरे को समझने लग गए हैं. अब तो जिसको आगे तक जाना है उसको पता है उसको गेम कैसे खेलना है. पर अगर मैं पर्सनली पिक करना चाहूँगी तो आई विल पिक रणवीर शोरी, सना मकबूल, लवकेश, जस्ट बिकॉज ही इज़ फ्रॉम यूट्यूबर एंड लास्ट फ्यू टाइम्स में यूट्यूब के जो है उनको ट्रॉफी मिली है. सो गिवन दैट, बट आई सी देम बेसिकली. किसे देख के ऐसा लगता है आपको कि इन्हें बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए था, मतलब गलत प्लेटफॉर्म पे आ गए, और किसे देख के लगता है कि यस ये बिग बॉस के ही लिए बने हुए हैं? या अग्रीड. आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस व्हेन दे डू द कास्टिंग फॉर बिग बॉस बेसिकली, क्योंकि हर जगह से है लाना है करना है. शिवानी को लाने का मतलब है वो बार बार गांव का बोलती है पर कानपुर से है. अगर मैंने अगर उनके प्रोफाइल को देखा है तो शी ड्राइव्स कार ऑल्सो, बट जो भी वो बात बिग बॉस में करती हैं वो सिर्फ यही होते हैं हमने कह दिया ना बस ऐसा ही होगा, हमारे गांव में ना ऐसे ही बात करते हैं. तो दैट इज़ नॉट द थिंग राइट, क्योंकि आप जहाँ से आए हैं उसका और भी तरीका है बात करने का. तो शी इज़ डूइंग बेसिकली टू शो समथिंग डिफरेंट ऑफ हर एंड बींग अ विक्टिम कार्ड प्लेयर ऑल द टाइम, कि मुझे कैसे नॉमिनेट कर दिया, मैं तो नॉमिनेट हो नहीं सकती, मेरे इतने मिलियन फॉलोअर्स हैं. तो आई थिंक विशाल भी नॉमिनेट होता, लवकेश भी होता, उनके भी मिलियन फॉलोअर्स हैं, बट दे आर नॉट क्राइंग. सो शिवानी इज समबडी आई वुड नॉट अप्रिशिएट टू बी इन द बिग बॉस. शी इज स्वीट एंड नाइस बट स्टिल. एंड उसके अलावा नहीं, उसके अलावा कोई नहीं है. आई डोंट थिंक सो एनीबडी. आई मीन वो तो निकल गई ना अभी वड़ा पाव. जब वो आया था वड़ा पाव गर्ल, मैं कहा ये क्या लेकर आ रहे हैं यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस. बिकॉज स्टैंडर्ड आपने एक बनाया है ना बिग बॉस का, आप उसको वहीं तक रखिए यार. उनके लिए और सारी चीज़ें करने के लिए, वाई अ बिग बॉस हैज़ टू हैव अ वड़ा पाव और शिवानी फॉर दैट मैटर. लास्ट जाते जाते कोई एक ड्रीम रोल जो आप करना चाहते हैं, एक जो आपके माइंड में, क्योंकि रोल तो काफ़ी सारे आपने किए बट एक हर एक्टर का रहता है. ड्रीम रोल नहीं कह सकती मैं, सिर्फ ये कह सकती हूँ मुझे पिविटल रोल करना है, मेन लीड करना है. एंड दैट कुड बी समथिंग लाइक व्हाट शिफाली शाह डस और सुष्मिता डस. आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई डोंट टू डू टिट्यूलर रोल्स बिकॉज आई नो आई एम वर्थी ऑफ इट. इंसान का टैलेंट, इंसान कभी ख़राब नहीं होता, सिर्फ वक्त ख़राब होता है. मेरा वक्त आएगा, तुम्हारी राह बदल जाएगी. जस्ट वेट एंड वॉच. फॉर टॉप सीरियल्स ऑन सेट्स टू पर्सनल इंटरव्यूज एंड फन सेगमेंट्स विद एक्टर्स, सब्सक्राइब टू टेलीबाइट्स राइट अवे.